न्यूजीलैंड के मैदान पर 16 साल पहले आज के दिन यानी 23 फरवरी 2003 को पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने दुनिया के सबसे तेज गेंद फेंकने के वाले बॉलर बन गए थे। अख्तर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे टीम इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाज निक नाइट को यह गेंद फेंकी थी। हालांकि मैच के दौरान अख्तर काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 9 ओवर में 1 मेडन फेंककर 63 रन देकर 1 विकेट ली थी, लेकिन उनके द्वारा फेंकी गई इस गेंद की चर्चा 2003 के पूरे क्रिकेट विश्व कप में होती रही है। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि कोई स्पीड गन को पहचानता है नहीं, मेरे लिए संतोषजनक है कि सबसे तेज गेंद फेंकी है। शोएब अख्तर ने सबसे पहले तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड जेफ थॉम्पसन के नाम था। शोएब अख्तर द्वारा रिकॉर्ड तोड़ने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दृष्टिकोणों के मामले में मेरे और शोएब की भी समानता है। वो मेरे ही तरह तेज गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। मैंने कभी इन स्विंगर आउट स्विंगर यॉर्कर के बारे में नहीं परवाह की। मुझे लगता है लोगों को एक्सप्रेस फास्ट डिलीवरी देखने में काफ़ी मज़ा आता है। उस वक्त भले ही शोएब अख्तर तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस मैच में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा। इंग्लैंड को 246 रनों के रोकने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाज जेमी एंडरसन और सी वाइड के आगे घुटने टेक दिए और मज 112 रन से इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। 4 विकेट लेने वाले एंडरसन मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। PM News 24 की रिपोर्ट।